नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। दिन दहाड़े युवक का अपहरण किया गया। 19 फरवरी को अपहरण किया गया था। महिला मित्र से मिलने गया था युवक। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। युवक के परिजन ने थाने में गुहार लगाई। पुलिस ने अपहरण से इनकार किया है। गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। हबीबगंज थाना क्षेत्र की घटना है। दिन दहाड़े युवक का अपहरण हुआ था। 19 फरवरी को अपहरण किया गया था। सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है फुटेज। महिला मित्र से युवक मिलने गया था। हालांकि पुलिस ने अपहरण से इनकार किया है। युवक के परिजन ने थाने में गुहार लगाई है। गुमशुदगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज जी, दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लिया 19 फरवरी को। एक तरफ जो है युवक के जो परिजन है वो अपहरण की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज करती है। क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो निकल के सामने आ रहा है, इसमें जो स्थिति निकल के सामने आ रही है, जो परिजनों का जो आरोप है, महज 2000 रुपए के कारण ये युवक का जो है अपहरण किया गया है। बीती 19 तारीख की बात है। हबीबगंज थाना क्षेत्र का मामला है और बाइक से दो युवकों ने अपहरण किया है, जिसका फुटेज भी सामने आ चुका है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी जांच कर रही है। और यही आपको बताना चाहूंगा, जो युवक है जिसका अपहरण किया गया है, वो अपनी किसी महिला मित्र से मिलने गया हुआ है। हालांकि थाना प्रभारी है, वो इस अपहरण की घटना से मना कर रहे हैं। अभी थाना प्रभारी है, वो उनका कहना है कि अपहरण हुआ है, बल्कि वो युवक साथ में गया है, लेकिन अभी तक उस युवक का पता नहीं चल पाया है। अब सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से जो है पुलिस जांच में जुट गई है। जी जी नीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल, युवक का अपहरण 19 फरवरी को किया गया था, लेकिन युवक के परिजन जो हैं अपहरण की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की है। महिला मित्र से मिलने गया था ये युवक।